देश प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल कंचन टीवी, आपकी आवाज। और सबसे पहले खबर पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। उपमंडल सफीदों में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने घर में घुसकर मचाया आतंक। नाजर सिंह का परिवार सदमे में। सफीदों के वार्ड नंबर 7 में रहने वाले नाजर सिंह पुत्र मुलक सिंह के घर बीती रात चोरों ने आतंक मचाया और लाखों का सामान लेकर चोर रफू चक्कर हो गए। परिवार वालों के मुताबिक बीती रात 2 बजे से 2:30 बजे के बीच चोर बाइक पर सवार होकर आए और घर में घुसकर सारा कीमती सामान उड़ा ले गए। वहीं नाजर सिंह का कहना है कि बीती रात हम दवाई लेने के लिए बाहर गए हुए थे, जब सुबह आकर देखा सारा सामान बिखरा पड़ा था। घर की हालत देख आस पड़ोस के लोगों से पता किया और पुलिस को मौके वारदात पर बुलाया गया। मेरे घर में हम कल दवाई लेने गए थे पोती की, तो रात हम आ नहीं सके। सवेरे हम आए 6 बजे तो सारा कुछ बिखरा पड़ा था, तो आके देखा तो आके फिर पड़ोसी को सारे को बुलाया, तो पुलिस को भी बुलाया, वो भी मौका देख के गए हैं। तो देखा तो सब सुधा अंदर से LCD उतार रखी है, ले गए तो सोना था 7-7.5 तोड़े वो ले गए, तो 31,000 रुपया था वो ले गए, और पता नहीं क्या कुछ सामान अभी छेड़ा नहीं, अभी क्या कुछ ले गए क्या नहीं। हमको सवेरे 6 बजे आए हम, 6 बजे के लगभग तो तब पता चला के देखा तो सारा सुधा खुला पड़ा था। पुलिस ने पूरा मामला देख नाजर सिंह को बताया कि फोरेंसिक टीम बुलाकर पूरे मामले की जांच की जाएगी। पुलिस वालों ने ये बोला है भी अभी सामान को हाथ न लगाइए, हम टीम को बुलाएंगे, टीम फिंगर स्कैन करेंगे, तो उसके बाद सामान को छेड़ना, ये बोल के गए हैं। क्या चाहते हैं? हम तो पुलिस से उम्मीद करते हैं पूरा इंसाफ मिले हमारे को। कैमरा सहयोगी जोगिंदर बाबा के साथ पंकज शर्मा, कंचन टीवी सफीदों।